गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में राजू व मदारी पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ राजू व मदारी। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि राजू किस तरह से मदारी की मदद करता है। मदारी का जूता फटा होता है, मदारी की पतलून फटी होती है, राजू उसे खाना खिलाता है, पानी पिलाता है और मदारी खुश हो जाता है, राजू भी खुश हो जाता है। तो इन सब पे आज प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न एक, मदारी किसका नाच दिखाता था? और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, मदारी किसका नाच दिखाता था। हम लोगों ने पढ़ा है मदारी किसका नाच दिखाता था, मदारी भालू का नाच दिखाता था। तो हमारा उत्तर होगा मदारी भालू का नाच दिखाता था। और जब हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है तो हम खड़ी पाई या पूर्णविराम से उसे बंद कर देते हैं। उत्तर फिर से, मदारी भालू का नाच दिखाता था। प्रश्न दो, किसका जूता फटा था? किसका जूता फटा था? उत्तर, किसका जूता फटा था? मदारी का। तो उत्तर होगा मदारी का जूता फटा था। पूर्ण विराम, मदारी का जूता फटा था। फिर से करते हैं प्रश्न एक, मदारी किसका नाच दिखाता था? उत्तर, मदारी भालू का नाच दिखाता था। प्रश्न दो, किसका जूता फटा था? उत्तर, मदारी का जूता फटा था। ये हमारा प्रश्न उत्तर है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे चित्रों के नाम लिखो। चित्रों के नाम लिखने में हम लोग सबसे पहले चित्र देखते हैं और चित्र देखने के बाद उसे पहचानते हैं, और जब चित्र पहचान में आ जाता है तो फिर उसका नाम लिखते हैं। ओके, तो देखते हैं कि नंबर वन में किसका चित्र बना है। ये आप लोगों को पता है किसका चित्र है? ये फूल है, फूल। इसे कैसे लिखेंगे? फू, यानी सबसे पहले लिखना होगा फ। यहाँ मैंने लिखा फ, उसे फू करना है, यानी इसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा, ये हो गया फू। अब लिखेंगे ल, ये हो गया फूल। फ में बड़ा ऊ की मात्रा, फू ल फूल। नंबर टू, ये किसका चित्र है? ये सूरज है, ये सूरज है। हमें सूरज की स्पेलिंग लिखनी है तो सबसे पहले लिखना है सू, और सू करने के लिए सबसे पहले करेंगे स, उसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा। फिर बनाना है रज, पहले र और फिर ज। अब इसे पढ़ेंगे स में बड़ा ऊ की मात्रा, सू र ज सूरज, सूरज। नंबर थ्री, ये किसका चित्र है? आपके घरों में पाया जाता है, कौन है ये? चूहा, चूहा। तो हमें लिखना है सबसे पहले चू, यानी लिखेंगे च और उसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की
मात्रा, ये हो गया चू। अब हा, तो ह और आ की मात्रा, ये हो गया चू हा। च में बढ़ाऊ चू, ह में आ, हा चू हा। ये हमारा चित्रों के नाम लिखो हो गया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रश्न उत्तर और चित्रों के नाम लिखो किया है, जिसे आपको हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। अटैचमेंट भेजा जाएगा, उसे देखिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।